तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गिरौदपुरी धाम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैत धाम है, काफ़ी बड़ा है, कुतुब मीनार से भी बड़ा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको लेके चलते हैं ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं सूचना लिखा है जैत धाम खुलने का समय सुबह 10 से 5 बजे तक, कृपया जूते चप्पल बाहर रखें। तो चलिए चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील यादव, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सुनील यादव ब्लॉग्स में आपसे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कोरबा से गिरौदपुरी धाम और अपन जाएंगे कवर करते हुए खरौद, शिवनारायण और खोखरा के मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आज हमारे साथ है, हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं माँ मनकादाई मंदिर खोखरा और चार जगह आपको आप लोगों को लेकर चलेंगे। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा होगा, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट रोड में। और हम अभी खड़े हैं इमली डुगू के गौ माता चौक में, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। जब भी आप कोरबा चापा के बीच से होते हुए जाते हैं तो माँ मड़वारानी के मंदिर से दर्शन करते हुए जाइए, क्योंकि मेन रोड में मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और आज का ट्रिप काफ़ी अच्छा होने वाला है। जय माँ मड़वा, जय माँ होता है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अभी जहांगीर, जैसा कि देख सकते हैं जाइए है जहांगीर का मेन रोड, जो कि अपने को लेके जाता है केरा, शिवनारायण और खोखरा। जा रहे हैं गिरौदपुरी धाम, वहाँ का जो कुतुब मीनार बना हुआ है उसे देखने के लिए, और आपको दिखाएंगे यहाँ से इसकी दूरी है 2 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गिरौदपुरी धाम। तो चलिए चलते हैं आगे।
फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं गिरौदपुरी धाम, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मरना है ना, तो चलिए चलते हैं अंदर। परम पूज्य गुरु घासी दास की जयंती, जोधपुर में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जोधपुर में और हमारे सामने है जय धाम। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गिरौदपुरी धाम में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जय धाम है, काफ़ी बड़ा है, कुतुब मीनार से भी बड़ा है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको लेके चलते हैं अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं सूचना लिखा है जय धाम खुलने का समय सुबह 10 से 5 बजे तक, डिपेंडिंग कुछ खुल बाहर। चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जय धाम में और मेरे पीछे है जय धाम, आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं वो पीछे में है। तो चले चलते हैं ऊपर। तो सौरभ भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? बहुत अच्छा लग रहा है, गिरौदपुरी धाम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा जगह है। तो दिखाता हूँ, सामने खड़े हैं सौरभ भाई और ये देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी दूरी कोरबा से 110 किलोमीटर, बलौदाबाजार से 40 और बिलासपुर से 50 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आगे, कोविड के कारण बंद कर दिया गया, तो आप मैं बाहर से ही दिखलाता हूँ और आपको पास में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जय धाम तो अभी बंद है क्योंकि 2 साल हो गया और किसी को अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोविड के कारण से बंद है। तो आप लोग को हम बाहर से दिखा रहे हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो सौरभ भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? तो ये था गिरौदपुरी जय धाम का वीडियो। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।